हे गाइस वेलकम टू माय YouTube चैनल प्रभाकर्स ऑनलाइन एकेडमी प्रीवियस क्लास रे आमी तुम्हारो प्रथम चैप्टर सार दैथिले बीजगणितर जोटा किला तमरो सरल सहसमीकरण सेही चैप्टर रो सब जगह प्रॉब्लम करिवो जदी कोठी डाउट हो कमेंट बॉक्स रे निश्चित ओटे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रे डिमांड करिवो जने छात्र के डिमांड करथिले प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रो तो तुमे जदी तुमर जदी अन्य कहार दरकार प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास निश्चित कमेंट बॉक्स रे जनाओ तो मु आउटे क्लास नै जेबी केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग में आमी बर्तमान तुम नेक्स्ट चैप्टर पढ़िया जोटा कि द्विघात समीकरण जीवा पे सदावे कही कि विषय भितर को जी पूर्व तुमको जानवाक पड़ो से विषय ना कमी द्विघात समीकरण हो बुझा तुमको पड़ो देख समीकरण वाड़ी तुम आगे कंटेक्ट आगे तुम जान अल्पभूत समीकरण विषय आमपाई नुआ वार्ड है बर्तमान द्विघात प्रिवियस क्लास कौन सब समीकरण पढ़ते ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फर्म इक्वेशन हम पढ़ते बुझे जोटा कि तुम गोटे लाइन थी स्ट्रेट लाइन बुझे कि घात तुम के एक एक तो टोटाली सदा मन रखी तो जेकोसी गोटे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजगणितिक परिप्रकाश घात के कह से एक्सप्रेशन सर्वाधिक जोटा मनकर घात दुई था एक था तो तुम एक घाती कहीपर दी घाती कह कार मैक्सिमम सर्वाधिक घात है दुई बुझे कि पूर्व चैप्टर में घात एक था कि चैप्टर में आम जो पढ़ा से आम घात दुई पढ़ा से घात दुई तो दुई घात बुझे तो जहाँ जेनेल फर्म तुम कौन अच्छी ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो यहाँ तुम डबल भैरिएबल पढ़ु एक्स आउ वाई कि तुम सिंगल भैरिएबल एक्स वाई जेड एमती बुझे तो फास्ट द्विघात समीकरण विषय भर को जवाब पूर्व आमको जाना पड़े पॉलिनोमियल कर्व पॉलिनोमियल विषय तुम अपने शुभ अष्टम क्लास पढ़ी थो पॉलिनोमियल कौन देख ये शब्दर अर्थ बुझ पल्ली मान बहुत नोमियाल मान बीजगणितिक पद तो बहुत गुड बीजगणितिक पद को लेकिन जो एक्सप्रेशन से पल्ली नोमियाल तो मन रखी तुम जान थो मनकर एक्स इंटू वाई अच्छी एट दीटा पद नुह गोटे पद बा एक्स डिवाइडेड बाय वाई अच्छी भी दीटा पद नुह टोटाली गोटे पद बुझे किंतु जदि एक्स प्लस वाई अच्छी दीटा पद एक्स माइनस वाई अच्छी एटा भी दीटा पद बुझे हरण गुणन केस टोटाली गोटे कि मिशा फेड़ केस केस ये हूँ अलग तेणुक मनकर आम गोटे पॉलिनोमियल लगा पॉलिनोमियल को सदा बेल कौन कौन पी एफ एक्स एक्स कॉपी ना पॉलिनोमियल जो भेरिएबल बेस्ट होता कह पी एफ एक्स बुझे मनकर आम कह मनकर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भिजिबल हो तो यहाँ पर गोटे कौन कहीपर ये पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल घात के तुम सर्वाधिक घात जो दुई तेनालीटा को द्विघात कहीपर एक्सप्रेशन गोटे द्विघात अच्छा द्विघात को नहीं कौन ये एक्सप्रेशन देखा कौन कही पॉलिनोमियल तो ये एक्सप्रेशन देखा कौन गोटे कहीपर ना द्विघा द्विघात पॉलिनोमियल बुझे सिमिलरली एठा में गोटे शून्य खाली एक्सट्रा लगे दबा एटा कौन कहे ना द्विघात समीकरण जोटा कि जेनेल फर्म तुम लिखी बहुत सहज चैप्टर एथ भी लंग क्वेश्चन पक्का आस बुझे बता नेक्स्ट पार्ट को जीवा मुझे जेनेल फर्म लिखी दौर गोटे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होया ए इज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ कब कह समे जी एटा मोर इक्वल टू जीरो इंटु एक्स स्क्वायर टाइम के जीरो तो घात दुई रही एक घाती तेणुक एटा इज नॉट इक्वल टू जीरो बुझे दे सी है तुम कांस्टेंट बा ध्रुवक बी है डी आला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सपेक्टिव एटा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बुझे तो सी कही गोटे द्विघात तुम आगे सब एक घाती समीकरण समाधान कर फर्म थी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो ये तुम कत मन कर तुम कत सल्यूशन बाहर एक्स इक्वाल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए मुझ प्रिवियस चैप्टर में ये क्वेश्चन करी तुम गोटे मात्र सल्यूशन बाहर कारण तार घात ए
किंतु से कोसे जत्ते द्विघात समीकरण तार दीटा सॉल्यूशन बाहे बुझे छ पता में कोसे दीटा बीज बा दीटा मूल तो तुम बोले अछि बीज गणित करे मौलिक उपपाद्य सेटा कोन तुम कोन कहो छि ना बोले एन घाती समीकरण रो समीकरण रो एन दा समाधान रहबो बा एन दा मूल रहबो माने कर बोले एन घाती समीकरण हम जनरल फॉर्म रे लिखु छि ए एन एक्स टू द पावर एन बुझे छ प्ले ए एन माइनस 1 x to the power n minus 1 a n minus 2 x to the power n minus 2 dot 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 a 0 where a 0 is a constant ujhe uchi to a expression on hata kete na sarvadhik jota n tenu keta ami kon kahi hobe na n ghati polynomial ujhe uchi dekho n ghati polynomial सी कोई जिन्हें कौन कौन बीजगणित रहा मौलिक मौलिक उपपाद्य जो कौन कौन सी ना एन घाती समीकरण रहा एन ता मूल रहे हो बा एन ता समाधान एन ता मूल एन ता बीज बा एन ता समाधान रहे हो बुझे हो जी इधर सब कुछ नहीं आसी पारे भलो भलो का था राइट वाले मन रख के नोट कर दिया था देन हम नेक्स्ट कुछ भाई तुम्हारा 9th क्लास में थी ला द्विघात समीकरण रहती थी डिटेल्स अवश्य दे नथिला माने कर तुम गोटे द्विघात समीकरण तुम बही रे एग्जांपल दे छुटा x2 - 5x + c बुझियो छी x2 - 5x + c तुम्हें प्रीवियस क्लास में कोन बोलथला उरा 9th क्लास रे तो गोटे सार कहि दियो अंता भंगा प्रणाली बा कोन ना मिडिल टर्म रे एक्सपेंशन सेठी तुम्हें कोन बोलथिला ना फर्स्ट कांस्टेंट आ x2 ए टर्म रे फर्स्ट मल्टीप्लाई करथला ये कते होथिला तमन एटा मल्टीप्लाई करले 6x2 बुझियो छ ता पर तुम कोन बोलथ ए 6x2 ता देखि कि ए मझे टर्म रे एमिति दिटा टर्म रे एक्सपांड करथिलो जेमिति कि दिटा को मिसै गेथिलो तो एटा बट मल्टीप्लाई करले हेथु एटा बुझियो छ फॉर एग्जांपल देखो मने लिखु छ x2 - 3x - 2x + 6 = 0 देखो एठी कोन ना दिटा को मिसै गेथ केते होछ -3x - 2x = -5x होछ बस बता दे दीटा को मल्टीप्लाई कर माइनस इनटू माइनस प्लस 3 इनटू 2 6 x इनटू x x स्क्वायर बुझे दीटा को मल्टीप्लाई करले केते पाउ छी प्लस 6 x स्क्वायर जोटा कि ए दीटा रा मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन दीटा मिसे करम केते पाउ छी माइनस 5 x तो एंती कि जे तुम सॉल्यूशन बतला देन कम करथिलो ना x कॉमन मथिलो x कॉमन गेलो हला x माइनस 3 सेकंड रो कोन कॉमन मथिलो ना माइनस 2 कॉमन जीवो माइनस 2 कॉमन दथले कोन थला ना से x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन नेक्स्ट स्टेप कोन करथिलो ना ए टोटल तो x - 3 कॉमन नथिलो x - 3 कॉमन गले आ केतरो होलो ना x - 2 इक्वल टू 0 देन कोन करथिलो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके करथिलो यदि a * b 0 त माने जे a इक्वल टू 0 होबो नले b इक्वल टू 0 होबो बुझियो छ तने से सिमिलरली x - 3 इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज x equals to पर माइनस 3 पर प्लस 3 और x equals to plus 2 एमती तो हमें समाधान ना बोलते हैं मन थी वो समझती करो बस तार हम हायर ऑर्डर सर्किट पढ़िया एक्चुअल में लॉजिकली हम कहते समाधान करिया बट अगर चले प्रोसेस हम भी समाधान करिया बुझियो जी कारण सब द्विघात समीकरण ए अंता भंगा प्रणाली रे हेबे बोली किसी माने नहीं बुझियो जी जीवा नेक्स्ट को तुमरे टा आउटे कथा कहि छिले से कोन कहि छि ना मने करो x इक्वल टू अल्फा अल्फा जे कोन सुर वैल्यू बा जे कोन सुर पूर्ण संख्या यदि x इक्वल अल्फा बे ओरे पॉलीनोमियल p ऑफ x ता 0 होए त माने ये अल्फा टा को आमे कोन कहिबा नै पॉलीनोमियल p ऑफ x रो ओरे 0 होले आमे कहबा बुझियो छि 0 बा 0 होले आमे कहया को बे कहला देखो त माने हम कोन आडी पाइले देखो दे एग्जांपल ले यदि x 3 पके हम रे कोन कोन करबो पॉलीनोमियल ले p ऑफ x ए दिखा दे समीकरण को पॉलीनोमियल हिसाब ले x2 - 5x + 6 देखो मुझे जैसे p ऑफ 3 बाहर कर दे x अल्फा कोई से कांस्टेंट माने को x 3 ले ता माने कहते p ऑफ 3 ले x लगा 3 पके x लगा 3 ले 3 स्क्वायर 9 -5 * 3 - 15 + 6 ये ला 9 * 15 + 15 - 15 = 0
तार माने 3 पे ए पॉलीनोमियल ता 0 होछ तार माने 3 टा लाई पॉलीनोमियल ओटे शून्य कहिया बा 3 टा को हम ए पॉलीनोमियल ल 0 कहिया सिमिलरली 2 पे भी पॉलीनोमियल ल 0 हम देखो काहे कि ना p ओवर 2 तो मैं जदला बाहर करबो 2 * 2 का 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 * 2 10 प्लस 6 6 4 10 प्लस 10 माइनस 10 0 तार 2 पे 0 ला 3 पे 0 ला जोटा कि आमे इक्वेशन रो मूल पाइछे बा समाधान पाइछे बुझे छ तार नाम ले कोन लक्ष्य बोले ना जेकोनसी समाधान जेकोनसी पॉलीनोमियल शून्य से पॉलीनोमियल कोन पा से द्विघात संयोजन रो समाधान बुझे छ ना हम को कहो जान छी ठीक छ देन नेक्स्ट बुझबा तो नेक्स्ट अछि पूर्ण वर्ग रे परिणत करी द्विघात समीकरण रो समाधान एटा इम्पोर्टेन्ट एटा ही परीक्षा आछि देखो बहुत दिजि सब होछि पूर्ण वर्ग रे परिणत करी पूर्ण वर्ग रे परिणत करी द्विघात समीकरण रो समाधान देखो पिले ए हेडलाइन बना को कोन नियम कहो बा कोन देखियो कहो पूर्ण वर्ग बा परफेक्ट स्क्वायर आमे एक्सप्रेस कर के हम द्विघात समीकरण को समाधान कर पाइया देखो से फर्स्ट दे तुम्हारा जनरल इक्वेशन को सॉल्व किन कर छ देखो जनरल इक्वेशन तुम्हारा होछ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देखो परफेक्ट स्क्वायर को कोन करी एटा फर्स्ट कोएफिशिएंट अछि तो आपन फर्स्ट डिवाइड कर दे बोथ साइड डिवाइड कर दे केते हिजबो ना ए बाय ए बा एक्स स्क्वायर रहियो प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए बुझे हो छी देन एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स एपर पॉजिटिव सी बाय ए अछि एपर गले नेगेटिव सी बाय ए बुझे हो छी देन देखिबी एटा छै x स्क्वायर मोर x स्क्वायर दे हमर थिला परफेक्ट स्क्वायर मान कोन मतलब a प्लस b रो होल स्क्वायर केते थिला ना x a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर थिला त a स्क्वायर टा मैथि पाइली x रो स्क्वायर देन कोन करबी प्लस 2 into a a मैथि x कोने छी त x रखली अच्छा बता देखो ए b टा 2ab अछि ए बी टा मैले केते लिखिबी जेमिति एटा को सॉल्व करल होथियो ना केते बी बाय ए एक्स देखो मन कर हम केते लिखिबी बी बाय 2 ए मन कर लिखिबी देखो एटा को सॉल्व करले ठीक होथियो कारण 2 बाय 2 को 2 2 कटि गेला बी बाय ए एक्स बुझे हो अच्छा एटा बी टा तार हम बी केते पाइले थे ना बी बाय 2 ए पर बी बाय बी बुझो बी बाय 2 ए पाइले त माने देन के आर करबी ना बी स्क्वायर आर करबी त माने बी केते बी बाय 2 ए त माने बी बाय 2 ए रो होल स्क्वायर बुझे हो अच्छा एपटे बी बाय 2 रो होल स्क्वायर ऐड करले माने सबडे ऐड करबी नले वैल्यू इन बैलेंस हे जीवो माइनस सी बाय ए प्लस बी बाय 2 रो होल स्क्वायर बुझे हो देन याकुन केते लिखि परबी ना देखो पता नहीं पर फॉर्मेट रहस जी ए स्क्वायर प्लस 2 इनटू ए इनटू बी प्लस बी स्क्वायर त माने ए प्लस बी रो होल स्क्वायर त माने ए ले जी एक्स को बी ले जी केते ना बी बाय 2 ए को रफल स्क्वायर इक्वल टू एटा केते हिजबो ना माइनस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर बुझे हो छी पर स्टेप बाय स्टेप बुझो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा आराम से पढ़िबो एग्जाम रे पतनी है केते ला ना x प्लस b बाय 2 ए रो होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम केते जीवो ना से 4 ए स्क्वायर एलसीएम जीवो ए कटिले अब यो 4 ए माइनस 4 ए सी प्लस बी स्क्वायर बुझे हो जी देखो नेक्स्ट स्टेप पर दो जी कते अछि ना x प्लस b बाय 2 एरो होल स्क्वायर इक्वल टू एटा उठे बढ़िया से अरेंजमेंट कर देले के रहिबो ना बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाय 2 ए सॉरी डिवाइडेड बाय 4 ए स्क्वायर एटा 4 ए सी सो x plus b by 2 केते हिजबो
एपटे स्क्वायर अछि रूट स्क्वायर रूट हे जिरो पर रूट ओवर रन लबा केते हो ना प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac र स्क्वायर रूट ये देखो परफेक्ट स्क्वायर अछि 4 स्क्वायर रूट ओवर केते हो ना 2 बुझियो छै बता देखो मोर एक्स दरकार थिला बा एक्स नो सॉल्यूशन दरकार एक्स तम केते काहि ना एक्स इक्वल्स टू एपटे पॉजिटिव बी बाय 2 अछि एपटे गले नेगेटिव माइनस बी बाय 2 ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a बुझियो छै तने एक्स टा केते बहला एलसीएम नै गेलै 2a को 2a गला एलसीएम माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac द स्क्वायर रूट एडम पहिले एक्स देखो रे प्लस माइनस अछि तने दीटा हले ओटा केस पॉजिटिव में आसीबो आ केस नेगेटिव में आसीबो बुझे हो जी तने आपको आगे के लिखले को हम हमरो मन करम बीज गणित हमर द्विघात समीकरण रे रूट दीटा में केते अल्फा ने बीटा दीटा रूट बाहर दीटा समान मन कर अल्फा इज इक्वल टू लिखि केते नेगेटिव केस टा पॉजिटिव केस टा मन कर मा अल्फा ने ली केते सॉरी मन कर पॉजिटिव केस टा मा अल्फा ने ली माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4एसी र स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2ए तब नेगेटिव लीजिए बीटा का पॉजिटिव लीजिए भाग लाए तो बीटा इज इक्वल टू नेक पॉजिटिव केस का नेगेटिव केस में वाला पॉजिटिव केस आसे ओटे बी स्क्वायर माइनस 4एसी रो स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2ए सो ए दी नंबर आंसर मुझे लगा तो जितने भी एग्जांपल देखो क्वेश्चन नंबर प्राय एग्जाम आसे एटा को हम आगर कोन सिद्धार्थ आचार्य बोले जन गणितज्ञ पाश्चात्य भारतर जन गणितज्ञ से ही एटा को फर्स्ट बाहर करथले तना को ताको नाम अनुसार एटा को मध्ये कोन कहै जाय ना सिद्धार्थ आचार्यंकर प्रणाली सिद्धार्थ आचार्यंकर प्रणाली बुझेला तोर तोर एग्जाम में मध्ये आसीबो कि सिद्धार्थ आचार्यंकर प्रणाली रे सॉल्व कर जोटा कि तुम पूर्ण वर्ग में परिणत कर द्विघात समीकरण समाधान नेक्स्ट देखिए कौन अच्छे नेक्स्ट तुम अल्टरनेटिव देज प्रोसेस से तुम किसी दरकार नहीं कर तुम्हें तथा घर जो डाउट हो मत कमेंट बॉक्स में पचार नेक्स्ट क्लास में करदेवी देन तुम आ गोटे कथा कही से कहे कि तुम एटे जो दुटा रूट पाइल आलफा और बीटा एटा को कौन कहे ना द्विघात सूत्र क्वाड्रेटिक फर्मूला कौन एटा कहे द्विघात सूत्र बुझेगा तो सर्ट क्वेश्चन आसो जो सब हाइलाइटेड बोल्ड अक्षर जो लिखा है बोल्ड लेटर से तुम सब सर्ट क्वेश्चन आसो सब भेरी भेरी इंपोर्टेंट ये तुम दस टाइम देती पूर्ण वर्ग में परिणत कर द्विघात समीकरण समाधान प्रथम कर दशम शताब्दी में प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ सिद्धार्थ आचार्य द्वारा संपादित होता बुझिपार तेनालीराम कह सिद्धार्थाचार्य प्रणाली बुझेगा तुम तक गोटे एक्जामपल दे पूर्ण वर्ग में परिणत कर सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवेन एक्स प्लस थ्री थ्री कल जीरो समीकरण की समाधान कर देख ये करजामपलटा तो तुम क्वेश्चन देते ना सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवेन एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो देख सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवेन एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो कौन कहे ना पूर्ण वर्ग में परिणत कर देख आम प्रोसीजर कौन था ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर इलेवेन बाय सिक्स एक्स प्लस थ्री बाय सिक्स इक्वल्स टू वन बाय टू इक्वल्स टू जीरो बस आपको कल के आम कौन कही फास्ट तुमको ना ए प्लस बी होल स्क्वायर फर्माट आने को पड़े आमको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बुझे ए स्क्वायर प्लस टू ए जगह पकड़ी एक्स बी एट के इलेवेन बै सिक्स हम ना इलेवेन बै टुवेल्व देख पकड़े हम इलेवेन बै सिक्स कारण टू सिक्स बुझेगा टू इंटु सिक्स इक्वल्स टू टुवेल्व तो बी जी है इलेवेन बै टुवेल्व तो बी स्क्वायर आड कर मैंने इलेवेन बै टुवेल्व तो स्क्वायर आर को इक्वल टू पॉजिटिव 1/2 अपडे गला नेगेटिव 1/2 बस
एपटे मु ऐड करछि 11/12 स्क्वायर त एपटे भी ऐड करबि 11/12 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 121/144 बुझला तो ये बटन केते आला ना परफेक्ट स्क्वायर होते x cos 11/12 रो होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू एलसीएम 144 वाले ये होत -72 प्लस 121 बुझला देन एटा तुम सॉल्व करले केते हबो ना 49/144 बुझियौ छी सो दी पटा स्क्वायर रूट नेले 11/12 इज इक्वल टू +7/12 बुझियौ छी त ठीक दीटा केस अराइज कला त दीटा केस कोन कोन ना गोटे पॉजिटिव आ नेगेटिव सो x इज इक्वल टू -11/12 कने पटा पॉजिटिव थिला अपर वाला नेगेटिव हला तो प्लस में गोटे केस नेली +7/12 आ गोटे केस कोन ली ना नेगेटिव में x इक्वल टू -11/12 -7/12 बुझियौ छी तो दीटा को सॉल्व करले कोन केते आसीबो आंसर ना x इज इक्वल टू ये आसीबो -4/12 व्हिच इज इक्वल टू -1/3 एंड अनदर वन x इज इक्वल टू एटा को सॉल्व करे आसीबो -18/12 व्हिच इज इक्वल टू -3/2 आंसर बुझेला तब तब हम नेक्स्ट के कहि छी ना प्रभेद को विषय के कहि छी एटा तुम ऑलरेडी ए चैप्टर पढ़ी सारे नी खाला नाटा चेंज करी तुम खाली कहि छी किछ नुआ न है धब हो तुम को एटा नोट कर दिया भला एग्जाम लथला तुम कहिरो कौन ना प्रभेद को बाकी ना डिस्क्रिमिनेंट बुझला एटा से कोन कोन ना डी लेटर द कैपिटल डी लेटर द रिंग अप कोन छी अब से कोन छी बोले जनरल इक्वेशन जदी बोले दिखा ना समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हुए तो तार डी से कोन छी केते हबो ना b स्क्वायर माइनस 4ac बुझला ता माने ए इक्वेशन में हम सॉल्यूशन केते बार करथले दीटा बीच बार करथले और थिले अल्फा इक्वल टू -b प्लस b स्क्वायर -4ac रो स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 थिला त देखो एठी -b को -b रखली प्लस ए b स्क्वायर -4 जे जगह हम d पके करी बा डिस्क्रिमिनेंट होता त रे d रो स्क्वायर रूट लिखली बुझियो छी बाय 2a बुझियो छी सिमिलरली बीटा हमर केते बार दिला ना -b एटा प्लस होला एटा -d रो रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2 बुझियला ये डिस्क्रिमिनेंट एटिकेट दे छी नेक्स्ट क्लास में हम तुम्हारे बढ़िया कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट रो जे डिस्क्रिमिनेंट d टा ग्रेटर देन 0 ले कम होबो लेस देन 0 ले कम होबो और इक्वल टू 0 ले कम होबो आज में एतिकी वीडियो टी भल लागले लाइक करिवो कोन कोन डाउट होला सब कमेंट करिवो और सब संग मान को शेयर करियो और हमर चैनल को निश्चित भाबे सब्सक्राइब करियो थैंक यू।